बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। आज हम क्रेस्टेबल का फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। स्टेंजा नंबर 51 से स्टार्ट होगा हमारा। 50 के चार लाइंस इंक्लूड होंगी। क्रेस्टेबल बाय एसटी कॉलरिज, ठीक है। एंड नाउ द टीयर्स वर ऑन हिज फेस, और अब वो जो बैरन है लियोलाइन, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड फॉन्डली इन हिज आर्म्स ही टुक फेयर गेराल्डाइन, और वो अपनी जो बाजों में है वो गेराल्डाइन को भर लेता है, मतलब वो उसको गले से लगा लेता है, ठीक है, हग कर लेता है। हु मेट द इम्ब्रेस, और वो मतलब उसका जवाब वैसे ही देती है, मतलब वो हेजिटेट नहीं कर रही है। प्रोलोंगिंग इट विद जॉयस लुक, और उसके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी है। एंड प्रोलोंगिंग इट, उसको मतलब वो उसको हग बैक कर रही है, ठीक है, लंबा कर रही है, जिसमें छोड़ नहीं रही है। विच वेन शी व्यूड अ विजन फेल अपॉन द सोल ऑफ क्रिस्टेबल, और अब जब ये क्रिस्टेबल की नज़र उसकी मतलब चेहरे पर पड़ती है ना गेराल्डाइन के, कि वो इतनी खुश है, और उसके जो पड़ती है तो उसके गेराल्डाइन जो क्रिस्टेबल के जहन में एक अजीब सा ख्याल आता है। अवियन फेल मतलब एक जो एक उसके जहन में एक ख्याल सा उतरता है। द वियन ऑफ फियर द टच एंड पेन, एक डर और खौफ उसके अंदर उतर जाता है। द टच एंड पेन, वो जो गेराल्डाइन ने उसको टच किया था, वो टच और उस वक्त उसको जो पेन महसूस हुई थी, वो जो स्पेल में आ रही थी, ठीक है, वो शी वॉज गोइंग अंडर द स्पेल ऑफ गेराल्डाइन, वो जो एक पेन थी आपकी, जिस तरह हेल्पलेसनेस होती है, उसको वो महसूस होती है। शी श्रंक एंड शडर्ड, वो फ़ौरन से जो है वो कांप जाती है और पीछे को हटती है। एंड सॉ अगेन, और दोबारा देखती है, वही वियन मतलब उसके जहन में दोबारा आता है। आह वो इज़ मी, वट इज़ फॉर दी, ये जो वो इज़ मी, ये जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, ये नरेटर जो है, ये नरेटर कह रहा है, ठीक है, कि ये सारा सीन नरेटर बता रहा है। और अब वो कहता है कि मुझे बड़ा दुख है। वॉज इट फॉर दी दो जेंटल मेड सच साइट्स टू सी, कि ये इस बेचारी जेंटल मेड क्रिस्टेबल को कहा है कि उसके लिए ये क्या सही है कि वो जो ये सब कुछ देख रही है, और जिस सब कुछ से पास हो रही है, थ्रू हो रही है, ठीक है। अगेन शी सॉ दैट ब्लॉसम ओल्ड एंड अगेन शी फेल्ट दैट ब्लॉसम कोल्ड, वो दोबारा से वही उसको जो गेराल्डाइन का जो बॉडी है वो उसको नज़र आती है, और वो उसके टच को फिर से फील करती है। एंड ड्रू इन हर ब्रेथ विद अ हिसिंग साउंड, और जैसे एक बंदा आह नहीं भरता, ठंडी सी आह भरता है, जिसका साउंड क्रिएट होता है, हिस हिस कहते हैं, जो सांप की आवाज़ नहीं आती है, सांप हिस करता है, ठीक है, वो तो वो जो इस तरह आह भरती है ना, ऐसे करके वो जो वो करती है, ठीक है, वो उसकी होती है। तो वेयर एट द नाइट टर्नड वाइल्डली अराउंड, अब जब क्रिस्टेबल का इस तरह से आवाज़ आती है ना सांस ये सांस लेने की, तो नाइट जो है, जो बैरन है, ठीक है, वो फ़ौरन से पीछे मुड़कर देखता है। एंड नथिंग सॉ, लेकिन उसे और कुछ तो नज़र नहीं आता, बट हिज ओन स्वीट मेड, सिवाय अपनी बेटी के। विद आइज अपरेस्ड, उसकी आंखें ऊपर को उठी हुई हैं आसमान की तरफ, एज वन दैट प्रेड, जैसे वो दुआ कर रही हो। द टच द साइट हैड पास्ड अवे, वो जो टच था, वो जो फीलिंग थी, वो जो विजन था, वो अब उसकी आंखों से चला गया है क्रिस्टेबल की। And in its stead that Vian blessed, और अब उसकी जगह in its stead, stead use हुआ instead की जगह पर, ठीक है, कि इसकी बजाय अब उसकी आंखों में एक बेहतरीन Vian आ गया है। which comforted her after rest, जिससे उसको सुकून मिला, ठीक है। While in the lady's arms she lay, अब ये Vian वो है जब वो उसने गेराल्डाइन ने उसको hug कर ली था, ठीक है। शी ले हैड पुट अ रैप्चर इन हर ब्रेस्ट, उसके टच से इसके जो दिल है उसमें एक अजीब सी खुशी हुई थी, ठीक है। एंड ऑन हर लिप्स एंड ओवर हर आईज स्प्रेड स्माइल्स दी लाइक लाइट, और जिस तरह रोशनी से एक अंधेरे में चमक आ जाती है, बिल्कुल उसकी आंखों में भी वैसी आंखों और चेहरे पे लिप्स पे वैसी ही स्माइल आ जाती है क्रिस्टेबल की। विद न्यू सरप्राइज, व्हाट एल्स देन माय बिलव्ड चाइल्ड, और उसी वक्त जो है ये जो बैरन है वो पूछता है हैरान होकर कि मेरे बेटे को क्या परेशानी है, मेरी बेटी को। द बैरन सेड, ठीक है, हिज डॉटर माइल्ड मे कैंसर, और उसकी बेटी जो है वो जवाब देती है, ऑल विल येट बी वेल, के सब ठीक हो जाएगा। आमिर खान वाली मूवी का याद कर ले, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ठीक है, कि सब ठीक हो जाएगा। आई वीन शी हैड नो पावर टू टेल ऑट एल्स, और मुझे यकीन है कि उसको इससे ज़्यादा बताने की उसमें ताकत भी नहीं है। नरेटर कह रहा है कि क्रिस्टेबल के पास इससे ज़्यादा बताने की ताकत भी नहीं है। सो माइटी वॉज द स्पेल, ये जो स्पेल उस पर किया गया था, जो जादू था, वो इतना ज़्यादा पावरफुल था। येट ही हु सॉ दिस गेराल्डाइन हैड डीम्ड हर श्योर अ थिंग डिवाइन, येट ही जो बैरन है उसने जब गेराल्डाइन को देखा है, हु सॉ दिस गेराल्डाइन हैड डीम्ड हर, वो उसे समझता है अ श्योर डिवाइन थिंग, उसे बहुत ही ज़्यादा कोई डिवाइन थिंग समझ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मासूम और बहुत ही कोई एलियन समझ रहा है, ठीक है। सच सोरो विद सच ग्रेस शी ब्लेंडेड, उसको वो इतनी डिवाइन थिंग क्यों समझ रहा है, इतनी उसको इज्जत क्यों दे रहा है, क्योंकि वो जो गेराल्डाइन है उसके चेहरे पे वो सोरो और वो जो ग्रेस है, जो वकार है, ठीक है, उसका जो एक ब्लेंड है उसके चेहरे पे, वो उसको मज़ीद अट्रैक्टिव बना रहा है। सो इफ़ शी फियर्ड शी हैड ऑफेंडेड, एज इफ़ शी फियर्ड,
वो अब इस तरह से प्रटेंड करती है, इस तरह से वो अपना जो है वो एक्सप्रेशन दे रही है, एज ही हैड ऑफेंडेड स्वीट क्रिस्टल, जैसे उसने क्रिस्टेबल को ऑफेंड कर दिया है कि वो उसके बाप के साथ हक किया उसने एंड ऑल दैट. ठीक है, क्रिस्टेबल द जेंटलमैन एंड विद सच लोली टोन्स शी प्रेड. और फिर वो बहुत आहिस्तगी से कहती है शी माइट बी सेंट विदाउट डिले होम टू हर फादर्स मेंशन, कि उसको बिला किसी तारीख तखीर के विदाउट एनी डिले अपने फादर के घर पहुँचा दिया जाए. आगे आ रहा है ने ने बाय माई सोल सेड लियोलाइन. अब सर लियोलाइन कहता है कि नहीं, किसी भी सूरत तुम इस तरह तो जा ही नहीं सकती हो. ठीक है, हो ब्रेसी द बार्ड द चार्ज बी थाइन. वो ब्रेसी जो था, जो पोइट सिंगर है, ठीक है, जिसकी जिक्र पहले भी आया था, उस ब्रेसी को कहता है द चार्ज बी थाइन कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हारे जिम्मे लगा रहा हूँ. गो दाओ, तुम जाओ विद म्यूज़िक स्वीट एंड लाउड. सिंगर है ना वो, कि अपना स्वीट म्यूज़िक जो तुम बजाते हो उसको ही बजाते हुए जाना. एंड टेक टू स्टेड्स विद ट्रैपिंग प्राउड. वो दो घोड़े जो बहुत शानदार हों, स्टेड कहते हैं घोड़ों को, उनको अपने साथ ले जाना. ठीक है, एंड टेक जो तेज़ भागते हों. एंड टेक द यूथ होम दो लव्स बेस्ट. और जो कोई जवान इनमें से तुम्हें बहुत अच्छा लगता हो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो, उसको साथ ले जाना. टू बेयर दाई हाफ द टू एंड लर्न दाई सॉन्ग. वो शख्स जो तुम्हें अच्छा भी लगता हो और जो तुम्हारा जो इंस्ट्रूमेंट है, हार्प म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, वो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट भी पकड़ ले और तुम्हारे साथ तुम्हारा सॉन्ग भी गाए और उसे लर्न कर ले. एंड क्लोथ यू बोथ इन सॉलम वेस्ट. और तुम दोनों बहुत शानदार किस्म के कपड़े पहन के जाना. एंड ओवर द माउंटेन्स हेस्ट अलॉन्ग लेस्ट वॉन्डरिंग फोक दैट आर अब्रॉड डिटेन यू ऑन द वैली रोड. और माउंटेन्स पे ज़रा तेज़ी से गुजरना, लेस्ट वॉन्डरिंग फोक दैट आर अब्रॉड डिटेन यू, कि वैली रोड से मत जाना. ठीक है, कि माउंटेन से जाना, क्योंकि वैली रोड के लोग जो हैं वो वैलीज़ की आबादियों के लोग, वो कहीं तुम लोगों को रोक ना लें. ठीक है, वॉन्डरिंग फोक जो वो वादियों में फिर रहे होते हैं लोग, डिटेन यू, रोक ना लें तुम्हें. एंड व्हेन ही हैज क्रॉस्ड द अर्दिंग फ्लड. अर्दिंग फ्लड कहेंगे अर्दिंग रिवर को. ठीक है, रिवर का नाम उसने लिया है. और जब तुम अर्दिंग रिवर क्रॉस कर लो, माई मैरी बार्ड ही हेस्ट अप नॉरन मोर. तो तुम जो है वो जल्दी जल्दी करना, बहुत तेज़ी से गुजरना अप नॉरन मोर की तरफ से. थ्रू हैगल्थ वुड एंड रीचिज सून दैट कैसल गुड. हैगल्थ वुड के, नॉरन मोर से तेज़ी से गुजरना, हैगल्थ वुड के रास्ते से जाना. एंड रीच इज सोन दैट कैसल गुड, और उस कैसल में पहुंच जाना विच स्टैंड्स इन थ्रेटन स्कॉटलैंड्स वेस्ट. जो स्कॉटलैंड मोर्स जो हैं वो उनकी तरफ को, मतलब वो इस कैसल का रुख है और वो उन लोगों के लिए एक खौफ की इलामत बना हुआ है. मतलब लोग डरते हैं उस कैसल से और उसके जो उसमें रहता है उससे. ठीक है, नाइट से. बार्ड ब्रेसी योर हॉर्सेज आर फ्लीट. वो ब्रेसी को कह रहा है कि तुम्हारे घोड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं. फ्लीट का मतलब है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हैं. ठीक है, यू मस्ट राइड अप द हॉल. तुम्हें हॉल की तरफ जल्दी से चले जाना है. हॉल कहा गया पैलेस को, कि कासल की तरफ तुम्हें जल्दी से चले जाना है. योर म्यूज़िक सो स्वीट मोर लाउड देन योर हाउस इज इकोइंग फीट. और तुम्हारा जो म्यूज़िक है, मतलब जो पैगाम तुम लेके जा रहे हो, वो इतना लाउड होना चाहिए और इतना मीठा होना चाहिए कि तुम्हारे घोड़ों की जो आवाज़ है भागने की उनसे भी ज़्यादा. हॉर्स इज इकोइंग फीट, कि घोड़ों की जो आवाज़ है भागने की, घोड़ों की चाप से ज़्यादा लाउड होना चाहिए. एंड लाउड टू लॉर्ड रोलैंड कॉल. और इतनी ही आवाज़ में कि तुम्हारे जाने का सबको इर्द गिर्द, लाउड एंड लाउड का मतलब है कि इर्द गिर्द सबको पता चल जाए कि कोई मेरा पैगाम तुम तक लेकर आया. कि वो क्यों कह रहा है ये चीज़, क्योंकि इसमें जो है लियोलाइन और जो रोलैंड है, लॉर्ड रोलैंड, इन दोनों में क्या हुआ था, पहले इनमें दोस्ती थी, फिर ये दोनों एक दूसरे के एनिमी बन गए और एक दूसरे की शक्ल देखने के वो नहीं रहे. ठीक है, जो भी कहते हैं. ठीक है, अब ये दोनों आपस में दोस्ती करना, अब ये दोस्ती का पैगाम भेज रहा है. तो वो लाउड एंड लाउड इसलिए कह रहा है कि जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों ने हमारे दरमियान जो रूमर्स फैलाकर जो भी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया था, अब उन सबको पता चल जाए कि हम दोबारा से फ्रेंड्स बन गए हैं और मैं तुम्हें दोस्ती का पैगाम भेज रहा हूँ, या जो भी कुछ चल रहा है. इसलिए वो लाउड एंड लाउड कह रहा है. ठीक है, कि लाउड एंड लाउड टू लॉर्ड रोलैंड कॉल, और उसके पास जाकर तुम बताना दे डॉटर इज़ सेफ इन लैंगडेल हॉल, कि तुम्हारी बेटी जो है वो लैंगडेल हॉल में, मतलब बैरन लियोलाइन के पास सेफ है. दाई ब्यूटीफुल डॉटर इज सेफ एंड फ्री, और तुम्हारी बेटी बिल्कुल सेफ है और आज़ाद है, फ्री है. ठीक है, सर लियोलाइन ग्रीट्स दी दस थ्रू मी. और सर लियोलाइन ने मेरे थ्रू तुम्हें जो है वो पैगाम भेजा है या फिर सलाम भेजा है. ठीक है, ग्रीट मतलब सलाम भेजना, हाल चाल पूछना. ही बिड्स दी कम विदाउट डिले, और उसने तुम्हें दावत दी है कि तुम बिला ताखीर आ जाओ, बिना देर किए.
विद ऑल द न्यूमरस एरे, मतलब अपनी आर्मी अपने लोग लेकर आओ, एंड टेक द लवली डॉटर होम, और अपनी बेटी को अपने घर ले जाओ, एंड ही विल मीट दी ऑन द वे, और लॉर्ड लियोलाइन जो है वो तुम्हें रास्ते में मिलेंगे विद ऑल हिज न्यूमरस एरे, अपनी लोगों के साथ, अपनी आर्मी के साथ, वाइल विद देयर पेंटिंग पैल्फ्रीज फॉर्म, जबकि वो जो उसके जो घोड़े हैं, जिन घोड़ों पे उसकी जो वो लोग सवार होंगे लियोलाइन के, वो घोड़ों के मुंह से फॉर्म निकल रही होगी, मतलब थके हारे घोड़े जो बहुत ज़्यादा भागम भाग आए हों, ठीक है। एंड बाय माइन ऑनर आई विल से दैट आई रिपेंट मी ऑफ द डे, और ये अब लॉर्ड लियोलाइन का पैगाम भिजवा रहा है, एंड बाय माइन ऑनर कि मैं ये कह रहा हूँ, आई विल से दैट आई रिपेंट मी ऑफ द डे, कि मैं उस दिन के लिए पछताता हूँ, व्हेन आई स्पेक वर्ड्स ऑफ फियर्स डिस्डेन, जब मैंने तुम्हारे बारे में बुरे अल्फाज कहे, नफरत भरे अल्फाज के, कंटेम्प्ट शो की, टू रॉलेंट डी वॉक्स ऑफ ट्रेयर मेन रॉलेंट, मतलब लॉर्ड रॉलेंट के बारे में जब मैंने बुरे अल्फाज यूज़ किए, मैं उस दिन पे आज भी पछताता हूँ, ये लियोलाइन के अल्फाज वो बता रहा है, फॉर सिंस दैट इवल आवर हैथ फ्लोन, क्योंकि जब से वो मनहूस घड़ी जो है वो गुजरी है, वो गई है, मैनी अ समर सन हैथ शोन, और बहुत से मौसम गुजर गए, मतलब बहुत साल गुजर गए, येट नेवर फाउंड आई अ फ्रेंड अगेन, लेकिन मुझे कभी भी दोबारा एक दोस्त नहीं मिला, लाइक रॉलेंट डी वॉक्स ऑफ ट्रेयरमैन, रॉलेंट की तरह का कोई दोस्त मुझे फिर ना मिल सका, ठीक है। The lady fell and clasped his knees. जो लेडी है, लेडी गेराल्डाइन, वो गिर जाती है जिस तरह पैरों में गिर जाते हैं, and clasped his knees, और जिस तरह अपने घुटने जो हैं वो जोड़ के बैठ जाते हैं, आप जब दुआ मांग रहे हो तो, या किसी की से मर्जी मांग रहे हो तो जैसे आप बैठते हो वैसे, हर फेस आप रेज्ड, अपना सर, अपना मुंह जो है वो चेहरा वो ऊपर को उठाती है, हर आइज़ ओवरफ्लोइंग, और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, एंड ब्रेसी रिप्लाइड, इससे पहले कि वो कुछ बोलती ब्रेसी बोलने लग गया, विद फॉल्टरिंग वॉइस, शर्मिंदा होकर वो कह रहा है, हिज ग्रेशियस हेल ऑन ऑल बेस्टोइंग, अब वो उनको, मतलब जिस तरह आप किसी की खुशामद करते होते हो ना, या फिर जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, या फिर जो आपके अंडर सर्वेंट्स होते हैं, वो जिस तरह से बात करते हैं, आपको ग्रीट करते हैं, ये वही वो कह रहा है, ऑल हेल, ठीक है, ग्रेशियस हेल ऑन ऑल बेस्ट रहेंगे, तुम सब पे सलामती हो, दाई वर्ड्स तो सायर ऑफ क्रिस्टबल, तुम्हारे वर्ड्स जो क्रिस्टबल के फादर को वो कह रहे हैं, आर स्वीटर देन माई हार्प कैन टेल, तुम्हारे वर्ड्स जो हैं वो मेरे म्यूज़िक से भी ज़्यादा स्वीट हैं, ठीक है, येट माइट आई गेन अ बून ऑफ दी, लेकिन मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, दिस डे माई जर्नी शुड नॉट बी, कि मैं आज का दिन सफ़र पे नहीं निकल सकूँगा, सो स्ट्रेंज अ ड्रीम हैथ कम टू मी, क्योंकि मुझे एक बहुत ही अजीबोगरीब ख्वाब आया, दैट आई हैड वाउड विद म्यूज़िक लाउड, कि मैंने अपने म्यूज़िक का वादा लिया या कसम खाई, टू क्लियर योन वुड फ्रॉम थिंग अनब्लेस्ड, कि मैं इस जंगल को एक जो बुरी आत्मा है, एक ईवल सोल से मैं आज़ाद करूँगा, वार्न्ड बाय अ विजन इन माई रेस्ट, जो कि मुझे नींद में एक वार्निंग दी गई, एक ख्याल आया, एक विजन आया, उसके लिए मैंने ये कसम खाई है, फॉर इन माई स्लीप आई सॉ दैट डव, अब ये अपना ड्रीम बता रहा है जो इसने देखा, फॉर इन माई स्लीप आई सॉ दैट डव दैट जेंटल बर्ड होम डू डज लव, मैंने अपनी नींद में वो डव देखी, वो जेंटल बर्ड देखा जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड कॉल बाय दाई ओन डॉटर्स नेम, और आप उसको अपनी बेटी के नेम से बुला रहे हो, मतलब आप उसको क्रिस्टबल बुला रहे हो, सर लियोलाइन उनको कह रहा है, आई सॉ द सेम फ्लटरिंग एंड अटरिंग फेयरफुल मून, आई सॉ द सेम, कि मैंने भी बिल्कुल वही देखा, वो बर्ड देखी जिसको आप अपनी बेटी के नाम से बुला रहे हो और आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, फ्लटरिंग एंड अटरिंग फेयरफुल मून, वो फ्लटर कर रही है, मतलब पर फड़फड़ा रही होती है, अटरिंग मोन कर रही है, दर्द भरी आवाज़ें निकाल रही है, ठीक है, तकलीफ़ में है, अमंग द ग्रीन हर्ब्स इन द फॉरेस्ट अलोन, अकेले तन्हा जंगल में वो ग्रीन हर्ब्स के दरमियान वो फड़फड़ा रही है और तकलीफ़ में है, विच व्हेन आई सॉ एंड व्हेन आई हर्ड, जो कि जब मैंने देखा और जब मैंने सुना, आई वंडर्ड व्हाट माइट एल द बर्ड, तो मेरे जहन में ये ख्याल आया, मैं हैरान हुआ कि इस परिंदे को क्या परेशानी है, फॉर नथिंग नियर इट कुड आई सी, क्योंकि मुझे उसके आसपास कुछ दिखाई नहीं दिया, सेव द ग्रास एंड ग्रीन हर्ब्स अंडर नीथ दी ओल्ड ट्री, सिवाय इसके कि उस ओल्ड ओक ट्री के नीचे जो हैं वो ग्रीन हर्ब्स और ग्रास थी, ठीक है, वो जो मिजल टो प्लांट्स थे और ग्रास, ठीक है, मॉस थी, उसकी बात कर रहा है, एंड इन माई ड्रीम मी थॉट आई वेंट, और मुझे अपने ख्वाब में ही लगा कि शायद मैं गया हूँ, टू सर्च आउट वट माइट देयर बी फाउंड, कि देखूँ वहाँ पर क्या मिलता है, क्या मसला है वहाँ पर, एंड वट द स्वीट बर्ड्स ट्रबल मैंड, और ये प्यारा सा परिंदा जो है वो क्यों परेशान है, किस ट्रबल में है, ठीक है, क्या मिजरी है, दो दैट दस ले फ्लटरिंग ऑन द ग्राउंड, कि वो ज़मीन पर पड़ा हुआ इतनी तकलीफ में फ्लटर कर रहा है, आई वेंट एंड पियर्ड, वेंट मैं गया एंड पियर्ड, और मैंने देखा, पियर्ड कहते हैं देखने को, एंड कुड डिस्क्राई नो कॉज फॉर हर स्ट्रेसफुल क्राई, लेकिन मुझे कहीं भी उससे जो है वो उसकी परेशानी की वजह और उसकी तकलीफ़ की वजह समझ नहीं आई, सुनाई नहीं दी, बट येट फॉर हर डियर लेडी सेक, लेकिन मैं उसके लेडी की सेक के लिए, मतलब उसको क्रिस्टल के नाम से जाना जाता है, तो मैं
उसके लिए आई स्टूप्ड, मैं झुका, स्टूप कहते हैं झुकने को, बेंड डाउन करने को, ठीक है, मैंने बेंड किया. मी थॉट, मुझे लगा, द डव द टेक, कि मैं उसके लिए, लेडी की सेक के लिए, मैं डव को उठाने के लिए अब झुका हूँ. व्हेन लो आई सॉ अ ब्राइट ग्रीन स्नेक, जब मुझे, मैं झुका तो मुझे फौरन से दिखाई दिया एक ब्राइट ग्रीन स्नेक, कॉइल्ड अराउंड इट्स विंग्स एंड नेक, जिसने अपने जो वो गर्दन है वो, मतलब वो कॉइल किया हुआ है, वो राउंड एंड राउंड, जिस तरह आप कर लेते हो किसी को रैप कर लेते हो, उसने वैसे किया हुआ है, ठीक है. ग्रीन एज दी हर्ब्स ऑन विच इट काउस्ट, जिस तरह ये उसकी गर्दन के गिल्थ जो है इसने रैप किया हुआ है. ग्रीन एज दी हर्ब्स ऑन विच इट काउस्ट, और ये जिस हर्ब्स और ग्रास पे है ये सांप, ये उसी कलर का ही है, उसी तरह का ही है, ठीक है. क्लोज बाय द डव्स इट हैड्स इट्स क्राउस्ट, और जो डव है उसकी गर्दन के बिल्कुल पास, उसके सर के पास ही स्नेक का सर है. एंड विद द डव इट हीव्स एंड स्टर्स, और जैसे ही डव हिलती है या सांस लेती है उसी तरह ये सांप भी हिलता है और सांस लेता है. स्वेलिंग इट्स नेक एज ही स्वेल्ड हर्स, और जब वो सांस लेने के लिए अपनी जो गर्दन है उसको थोड़ा सा स्वेल करती है, ठीक है, उसी वक्त ही ये सांप भी करता है. आई वोक, मेरी आंख खुल गई, मैं जाग गया. इट वॉज द मिड नाइट आवर, आधी रात का वक्त था. द क्लॉक वॉज इकोइंग इन द टावर, और क्लॉक में जो है वो घंटी बज रही थी, जिस तरह आधी रात के वक्त की एक होती है, ठीक है, वो हो रही थी. बट थ्रू माई स्लम्बर वॉज गोन, दो माई स्लम्बर वॉज गोन, स्लम्बर कहेंगे नींद को, कि मेरी नींद उड़ चुकी थी. दिस ड्रीम इट वुड नॉट पैस अवे, लेकिन ये ड्रीम जो था ये अभी गुजरा नहीं था. इट सीम्स टू लिव अपॉन माई आईज, ऐसे लग रहा था जैसे मेरी आंखों के सामने वो सारा मंजर चल रहा है. एंड देंस आई वाउड दिस सेल्फ सेम डे, और इसीलिए मैंने उसी वक्त उसी दिन ये कसम खाई. विद म्यूजिक स्ट्रॉन्ग एंड सेंटली सॉन्ग टू वॉन्डर थ्रू द फॉरेस्ट वेयर, कि मैं अपने म्यूजिक के साथ एंड सेंटली सॉन्ग, और हॉली जो सॉन्ग्स होते हैं, हिम्स होती हैं, ठीक है, उनके साथ ही मैं इस जंगल में चक्कर लगाऊंगा. लेट्स नॉट अनहोली लॉयटर देयर, कि वहाँ पे कोई भी जो अनहोली पर्सन है, घोस्ट या इवल स्पिरिट्स, वहाँ पे ना रह सकें. आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट होगा, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आई होप आपको समझ आ रही है. थैंक यू सो मच.